नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। उसी योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा टेम्पो खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। आइए, हमारे साथ में खैरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अब्दुल कुमार आर जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस योजना में कौन से लाभ किस तरह से लाभ ले सकते हैं और इस योजना में अप्लाई करने का क्या तरीका है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और EBC जो कैटेगरी के लाभुक हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए यह योजना चलाई गई है, जिसमें अगर वो कोई भी तिपहिया वाहन लेते हैं या 10 सवारी तक बिठाने के लिए वाहन लेते हैं तो उनमें अधिकतम 1,00,000 रुपये तक का सरकारी अनुदान का प्रावधान है। अभी हमारे प्रखंड खैरा में जो 5-5 यानी 3 SC ST के लिए और 2 EBC कैटेगरी के लिए जो वाहन खरीदे जाने थे, उसमें बहुत अच्छा युवाओं का सहयोग रहा, सभी लोगों ने वाहन खरीदा, उन्हें अनुदान की राशि भी निर्गत कर दी गई है और पुनः सभी पंचायतों में सरकार के द्वारा एक अनुसूचित जाति को और एक EBC कैटेगरी के लिए पुनः सीट का रिक्तियों को आवंटित किया गया है। इसके लिए मैं अपील करूंगा युवाओं से कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो इसकी अनिवार्य शर्त है, वो लाभुक योग्य व्यक्ति आगे आए। इसके लिए जो अनिवार्य शर्त है वह है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में जो जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन किया जाता है। उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए और उनका जो आधार खाता ये सब पेमेंट के लिए उनको लिया जाता है उनसे। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए एक बहुत बेहतरीन माध्यम है और हम लोगों का बहुत अच्छा एक इसमें प्रयास भी रहा है और अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। आपके माध्यम से भी एक अपील है कि युवा आएँ। अभी हमारे सभी 2200 पंचायत में SC ST के लिए कुल 9 रिक्तियां हैं और EBC के लिए कुल 8 रिक्तियां हैं, जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके लिए विस्तारित कर दी गई है समय सीमा, जो 23 अप्रैल तक है। 23 अप्रैल तक युवा आवेदन कर सकते हैं, चाहे तो वो प्रखंड मुख्यालय आकर के आवेदन कर सकते हैं या बाहर किसी RTPS जो काउंटर है इंटरनेट का, वहां से भी वो आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। कौन कौन से पंचायत में भी इस योजना के लिए बाकी रह गया है? अभी हमारे पास हरणी, बानपुर, निम्नवादा, भीमाइन, चुआ, हड़खाड़, केंडी, खराइच, दाबिल, बेला, बंगोबंदर, रायपुरा और अरुणमाबाद, इन सभी पंचायतों में मिलाकर कुल 9 SC ST और 8 EBC के लाभुकों के लिए रिक्ति शेष है। तो सर, ये जो योजना है ये क्या पूरे बिहार में चल रहा है या फिर अभी केवल खैरा प्रखंड में, कहाँ का चल रहा है सर योजना? जी, ये पूरे बिहार के लिए है, परिवहन विभाग की तरफ से है और इसमें सभी जगहों पे वाहन लिए जा रहे हैं और उन्हें 1,00,000 तक अधिकतम अनुदान की राशि दी जा रही है। सर, यदि वो एक लाभुक यदि एक मुश्त में किस्त को जमा कर दिया जाएगा तो उसको क्या लाभ इसमें मिल सकता है? सरकार प्रत्येक वाहन पर जो खरीद का 50% या अधिकतम 1,00,000 रुपया अनुदान के रूप में देती है। इसमें अगर लाभुक चाहे तो अनुदान की राशि 1,00,000 सरकार की तरफ से और शेष राशि स्वयं जमा करके वह ब्याज या किस्त के झंझट से मुक्त हो सकता है और उसका अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। योजना पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, आप किसी भी जिले में रहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए तो तुरंत ही अपने नज़दीकी ब्लॉक में संपर्क करें, वहाँ पर जाके आवेदन दें और इस योजना का लाभ उठाएँ। धन्यवाद।